कैसे हो आप सब। आज हम आईफोन 11 की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। जैसा भी ये फ़ोन ये ज़बरदस्त है। मैंने अगस्त के महीने में 2021 में परचेज़ किया है। चलो अब इस हर चीज़ को साइड करें और शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये हमारा आईफोन। चलो इसको निकाल के साइड में रखें। हाथ में एक अलग ही प्रीमियम सी फील दे रहा है ये फोन। आप देख सकते हैं भाई, इसकी अनबॉक्सिंग मैं पहले कर चुका हूँ। जब मैंने खरीदा था ना उसी टाइम इसकी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, तो ये मैं री अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ यही समझ लो एक तरह से। इसलिए वो जो स्टार्टिंग में पन्नी सी नहीं खोलते, वो चर्र की आवाज़ आती है पन्नी खोलते टाइम, वो इसलिए नहीं आएगी। चले देखे बॉक्स के अंदर क्या क्या है। ये बॉक्स के अंदर एक टाइप सी लाइटनिंग केबल है, आप देख सकते हैं। बॉक्स में और कुछ नहीं देते भाई, सिर्फ ये लाइटनिंग केबल ही देंगे और कोई चीज़ नहीं। आप देखो ये लाइटनिंग और चार्जर भी USB वालों में तो लगेगा नहीं, बस ये नॉर्मल देखो इसे छोटा सा फंदू भी दे दिया जो टाइप सी पोर्ट है, बस उसी में चार्जर में लगाओ जिसके पास है। अब जिसके पास टाइप सी वाला चार्जर नहीं है उसका तो एप्पल ही जाने क्या होगा, वो तो या तो फिर नया परचेज करेगा और तो कुछ हो नहीं सकता। यही तो पंगा है एप्पल का, अलग तरह की बकचोदी निकालता रहता है। चलो देखें, और ये इजेक्शन पिन, मैनुअल, फोटो, स्टिकर, भाई स्टिकर है नहीं, स्टिकर मैंने अपने लैपटॉप पर चिपका लिया। चलो अब इसको ऑन करके देखें इसमें क्या है। भाई साहब बैक साइड से तो ज़बरदस्त लग रहा है, लुक इसकी एक नंबर। आईफोन 11 वैसे जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, एप्पल आईफोन 12 और ये 13 जो अभी नया है, इनमें से बढ़िया मेरे को आईफोन 11 ही लगा। रेंज भी कम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, कैमरा भी सेम है, बस एक बायोमेट्रिक चिप का डिफरेंस है, चिपसेट है वो 14 की जगह 15 कर दी है उसमें, 13 में 12 में 14 इसमें 13 बस, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी फ़ोन की लुक प्रीमियम है, एक नंबर का फ़ोन है, आप देख सकते हैं। ये इसके साथ कवर मिला था मेरे को मोबाइल के साथ ही, एक्चुअली वो दे नहीं रहे थे, मैंने ज़बरदस्ती लिया है, वो तो नखरे कर रहे थे देने में, तो चार्जर भी नहीं दे रहे थे कंपनी वाले। ये देख सकते हैं आप इसका फेस, हम लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया काम कर रहा है, एक सेकंड में हम लोग हो रहा है, सेकंड में नहीं ले रहा। चलो ये चार्जर है, ये मैं अलग से ख़रीदने से बच गया यार, जो भी है। अब इसको अनबॉक्स करते हैं। चार्जर इसका रेट आप देख सकते हैं 1999, 2000 मान लो रुपया ही तो कम है 2000 में। ये सही बकचोदी कर दिया, चार्जर अलग ख़रीदो, ये अलग ख़रीदो, वो अलग ख़रीदो। चलो ये चार्जर ओपन हुआ, देखो एप्पल का लोगो तो है नहीं, ये देखो पीछे फंदू कितना छोटा है, इसका तो छेद भी छोटा कर दिया है इन्होंने। चलो जो भी है सही है। वैसे इसे 20 वोल्ट का ये फास्ट चार्जर है, ये आपको अलग से बाय करना पड़ता है, ये चार्जर डब्बे के साथ देते नहीं हैं। वैसे ये चार्जर के साथ इन्होंने मैनुअल दिया, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये लॉजिक मेरे समझ नहीं आ रहा। अब चार्जिंग के लिए कोई मैनुअल पड़ेगा कि बंदा चार्ज कैसे करे, ये कैसे करे। देखो इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस अब कौन पड़ेगा इसको, फेंको इसको, इतना लंबा पड़ने की आदत नहीं है यार। अब इसके अंदर और गया एक और पेपर, इसमें देखे गया USB-C टाइप। भाई USB क्यों लिखा हुआ, USB तो है ही नहीं इसमें, C टाइप लिखो ना बावलो। चलाने में बिल्कुल स्मूथ है भाई साहब, इसके आगे तो वीवो ओप्पो फेल है, कतई फेल है मेरे, घटिया फ़ोन जिसे कहते हैं ना लाइक शिट, शिट आप समझ जाओ वैसे फ़ोन है भाई। मैं कुछ सिक्योरिटी एजेंट की वजह से अपनी आईडी हर चीज़ हाइड करके रख रहा हूँ, तो वो मत समझना।
चलो अबाउट में दिखाता हूँ आपको। सॉफ्टवेयर अपडेट अभी कोई आया नहीं है, बट मैंने अभी वीडियो में बना रहा हूँ तो इसमें मैंने अपडेट कर रखा है। नया अपडेट अभी कुछ दिन में 15 का आएगा, तो 15 वाला भी कर लेंगे। देखो मॉडल, ये सिम इसमें डुअल सिम है, ये इसका बिल है, बिल भी देख सकते हो आप। इन्होंने मेरे से कितने पैसे खाए हैं, कितना लूटा मेरे को, 60,000 रुपये ले लिए, कम नहीं होते, वो भी कैश। बाकी आप देख ही सकते हो भाई, ये सब मैं बाकी आई एम आई नंबर वगैरह कुछ भी नहीं दिखाऊंगा, इसलिए मैंने सब हाइड मार रखा है। चलो अब देखें इसमें क्या क्या फीचर्स हैं भाई। इसमें 12 मेगापिक्सल का, पीछे देखे थे आपने दो कैमरे भाई, जो भी इसकी ब्राइटनेस देखो, ब्राइटनेस बंदे कहते हैं कि थोड़ी कम है, बट इसकी कम नहीं है यार। आज सुबह मेरी मानो मैं इसको पूरी धूप में चला रहा हूँ, वो भी फुल ब्राइटनेस पे, कत्ती एकदम साफ दिख रहा है मेरे को, कुछ दिक्कत नहीं आ रही। आप देख सकते हो, बंदे कहते हैं कि दिखाई नहीं देता, पर मेरे को तो दिखाई, भाई साहब जिस जिसको दिखाई ना देता ना इस फोन में धूप में, उनकी आँखें खराब हैं भाई, टेस्ट करवा लो कहीं मोतियाबिंद तो ना हो रहा आँखों में। अब जरा आपको बता दूँ इसके अंदर क्या क्या है। ये साइड से ये वॉल्यूम बटन दोनों, यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, इस साइड स्पीकर है, राइट साइड लेफ्ट साइड माइक होगा, यहाँ पे सिम डलती है, एक सिंगल सिम डलती है इसके अंदर, मेमोरी कार्ड इसमें डलता नहीं। यहाँ पे पावर का बटन है, ऊपर कुछ है पर मैंने देखा नहीं, बट ये साइलेंस वाला जो हर एप्पल फ़ोन में होता है, इसकी कट कट की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है मेरे को। बाकी आप देख सकते हैं, ये 12 मेगापिक्सल के इसमें दो कैमरे हैं, और बाकी इसकी फ्लैश लाइट भी इसकी बहुत बड़ी है। इसका फ्रंट में भी कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल का है। बाकी आप देख लो, आपको पूरी लुक दिखाता हूँ, साइड आगे पीछे ऊपर नीचे वाड़ा पिछाड़ा सब कुछ देख लो इसका। चलो अब इसके साउंड की आवाज़ सुनते हैं, इसके स्पीकर की आवाज़ सुनाता हूँ आपको कैसी है, लेट्स प्ले। अब आप सुनिए स्पीकर कैसा बजता है इसका। 22 में डुअल स्पीकर है, एक उच्च एक ऊपर, स्पीकर की आवाज़ इसकी ज़बरदस्त है। ये नीचे से आप सुन सकते हैं, नीचे से बज रहा है। अब ऊपर जो ईयरफोन की साइड से एक स्पीकर रहता है वहाँ पर बजता है, वो भी आपको सुनाता हूँ। देखो यहाँ से भी बज रहा है, ठीक है, दो स्पीकर, दो। साउंड इसकी ज़बरदस्त है भाई, साउंड के मामले में एप्पल ने कोई कंपटीशन नहीं करी। बाकी इसकी हेडफोन की भी आवाज़ आप सुनोगे, वो भी 1900-2000 रुपये की है, उसकी साउंड सुनोगे उसकी भी ज़बरदस्त आती है। चलो अब थोड़े इसके ग्राफिक्स वगैरह देख लेते हैं, जैसे इसमें गेमिंग करके दिखाता हूँ आपको। पबजी बैटल ग्राउंड इंडिया अभी नई आई है, न्यू लॉन्च हुई है, जरा उसका देखते हैं उसका क्या हिसाब है। ओके अब वो चलाते हैं, अब देख सकते हो पबजी कहाँ गई वे, पबजी कहाँ है, ये रही। चलो पबजी स्टार्ट करें भाई। क्राफ्टन वालों ने बढ़िया किया यार, अच्छी खासी पबजी बैन हुई थी ना, मुझे तो बहुत खुशी है कि वापस आ गई पबजी। पबजी मैं खेलनी भूल गया हूँ, बहुत टाइम हो गया, आज खेल के देखते हैं कैसी खेलते हैं। चलो प्ले करें, चल इसके ग्राफिक दिखाएं आप सबको, इसके ग्राफिक कैसे हैं। ये आए, ये सेटिंग खोल ली, ये ग्राफिक्स पे गए, स्मूथ बैलेंस HD HDR अल्ट्रा HD,
ये सब चली गई। अल्ट्रा एचडी पहले नहीं आती थी दूसरे फोनों में, इसमें अल्ट्रा एचडी चली। अल्ट्रा एचडी के ग्राफिक भाई बहुत तगड़े हैं, एकदम रियलिस्टिक पे करके खेलो मज़ा आ जाएगा अल्ट्रा एचडी में खेल के। चलो प्ले करते हैं, लेट्स बिगिन। टीडीएम खेलेंगे। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Team match, let's go. आ जा काके, आ जा तेरे को सबक सिखाऊंगा, आ जा आ जा आ जा आ जा। अबे अबे तेरी ऐसी की तैसी, ये कौन मार गया मुझे? वे पापी जी कौन है? मुझे तो कोई इंडिया अपील के गए पापी जी का। क्या नाम है पापी जी का? आ जा भाई, चढ़ांगा नहीं तेरे इंडिया को तो पेल दिया साले, ये मार गया था मुझे। आ जा आ जा आ जा तेरी गड्डी बैंड पापी जी का। भाई कैसे कैसे नाम रखते हैं बंदे, पापी जी दूरी देखी नाम रखने वाला है। पापी जी ले फिर मार गया, अब पापी जी मेरे को मार गया, इसको तो छोड़ूंगा नहीं पापी जी को। यार मेरा गेम प्ले बड़ा बेकार हो गया, पहले अच्छा खासा खेलता था, जब से ये पबजी बैन हुई है ना उसके बाद गेम का नाश हो गया। ये मरा, ले पीछे से मार गया फिर। यार ये अलग ही फिल्म है, वह सामने आगे मारना पीछे से क्यों मार रहा है? आ जा बेटा आ जा, तू आ जा। ये पापी जी गया, गया। इसका नाम क्या? बोकर। ओपे तू ऊपर चढ़ा चढ़ा क्या कर रहा है? कूद के मारेगा, कूदेगा तेरे बस का नहीं है पापी जी कुछ भी। ले पेल गया साड़ा फिर पीछे से। अरे बोकर, कौन कौन है बोकर, कैसे कैसे नाम रख लेते हैं। सड़ी सड़ी गन ला के पेल रहे मेरे को, फिर पेल गया। अब मारा ना बोकर का, बोकर का बुकर बना दिया। चल आ जा आ जा बेटा, ये कौन है? अब फिर मरूंगा, फिर मरूंगा, मरा 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 मरा। अरे यार मार गया। चल दोबारा जाएंगे हम रण भूमि में, दोबारा जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। चल 26, अपनी टीम तो अच्छा खेल रही है, बस मैं अच्छा नहीं खेल रहा। ये मार दिया पापी जी को, अब पीछे से आगे मेरे को पिलेगा देखियो। अबे तू लेटा लेटा क्या कर रहा है? चबक चबक, अद्दे यार इसकी, फिर मार गया, छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे आजा आजा आजा, कहाँ छुपा है तू? ये रहा है तू। अच्छा कोने में छुपे, कोने में छुपे। ले फिर मार गया ये पापी जीक। अरे क्या दुश्मनी है तेरे को पापी जीक मेरे से? अरे पीछे से आगे मार दे तो, सामने से आगे मारना, सामने से मारने का दम नहीं है के तू? ये गया पापी जी, ये तू भी गया। यार खेलना दोबारा सीखना पड़ेगा। आजा बेटा आजा 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 आजा, कहाँ है तू, कहाँ है तू, कहाँ छुपा है? ये रहा ये रहा, आजा भी आजा भी। अब जाके अपना शेर मर 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 मर, पापी जीक खत्म, जीक पापी। चल यार बहुत खेल लिया, मैच ख़त्म,
लास्ट प्लेयर है। अब आपने देखा ही इसमें गेम कितनी बढ़िया चल रही है, ग्राफिक बहुत अच्छे हैं, खेल के मज़ा आ जाता है। इस फोन में तो खेलने का मज़ा ही अलग है यार, अलग ही ट्रेंड आता है इसमें। अरे जीत गई अपनी टीम, मैंने कितने मारे थे, 17। भाई देखो कितना बेकार खेलता हूँ मैं, 17 बंदे मार गया, मेरे जैसा बेकार कोई खेल सकते हैं नहीं। चलो यार, वीडियो देखने के लिए थैंक्स, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कर देना, फेसबुक पे भी और अपने दोस्तों के से भी, फैमिली से भी। चलो बाय।